गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले लड़के को देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लड़की और लड़के के मोबाइल को ट्रेस करवाया और साइबर सेल से जानकारी लेकर पुलिस बालोद के लिए रवाना हो गई। दो दिन तक लड़के का मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस दो दिन उसको नहीं खोज पाई। जैसे ही मोबाइल चालू हुआ वैसे ही लड़का और लड़की को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी भी मिली है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 376-45 आपको बता दें पॉस्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है। का एक प्रकरण है जिसमें नाबालिग लड़की जिसके पिताजी ने 2 तारीख को बताया कि वो उनकी लड़की है जो बिना बताए कहीं चली गई। जब इसमें विवेचना किया गया विवेचना के दौरान ये पता चला कि उन्हीं के गांव का एक नीकू उर्फ जयकिशन यादव है जो उसको भगाकर ले गया है उनका, क्योंकि लड़की और लड़के का मोबाइल नंबर था जिसका टावर लोकेशन साइबर सेल से निकाला गया। एक दो दिन तो मोबाइल बंद होने से टावर लोकेशन नहीं पता चला, बाद में पता चला कि ये बालोद जिला के ग्रोर थाना के अंतर्गत उनका लोकेशन पता चला। फिर एक थाना देवरो के द्वारा एक टीम तैयार की गई जिसमें SI विश्वकर्मा साहब और आरक्षक सतीश जी और एक महिला सैनिक गायत्री यादव उनके बताए गए लोकेशन के आधार पर उनको टीम वहां भेजा गया। तत्पश्चात वहां से बरामद कर थाना लाया गया।